Hey friends, I'm Mukesh and welcome to my channel. So friends, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपको मेरे चैनल पर 2D animation, motion graphics, VFX और कई सारे After Effects के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको मेरे चैनल पर टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगी और मैं काफ़ी सारे फनी वीडियोज भी बनाते रहता हूँ जो 2D animation के होते हैं। सो इन सब को देखने के लिए जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो भी बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हमारा ट्यूटोरियल्स का है, और ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो डाला था, लेट्स सी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मुझे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे वीडियोज मिल जाएंगे, अनबॉक्सिंग के कुछ वीडियोज हैं, फनी वीडियोज हैं, सब आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आज हम जो ट्यूटोरियल्स करने वाले हैं वो है टू ईयर्स रिव्यू। फाइनली मुझे अब टाइम मिला है इसका ट्यूटोरियल बनाने का, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। ये लोटस ब्लूमिंग एनिमेशन जिसमें आप एक में बनाया था, और ये टेस्ट था जो मैंने किया था आप एक में, और इसके बाद मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि मैंने ये एनिमेशन कैसे बनाया है। तो आज हम देखने वाले हैं मैंने इस एनिमेशन को कैसे क्रिएट किया है। सो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए हमारा आफ्टर इफेक्ट, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ लगता है यहाँ पर एक PSG लोटस फ्लावर लीफ के नाम से, आपको इजीली नेट पर अवेलेबल हो जाएगी। PNG ले सकते हैं आप, वो यहाँ पर देखेंगे पास में। यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग चार अलग अलग हैं, दोबारा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक कॉम बनाता हूँ 1920 के होते, और मैं अपनी स्लीप को यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, और इसे प्रोसेस पे कर लेते हैं। तो फिल करते हैं, ये हमारा लीव है जिस पर हम एनिमेशन करते हैं। इसके लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत होगी, और जो है पेन, एक्चुअली प्लगइन ये स्क्रिप्ट है, ये आप इजीली नेट पर ये मिल जाएगा आपको। तो मैं आपको बताता हूँ, ये है बैन लेयर के नाम से मिल जाएगी आपको स्क्रिप्ट, और आपको नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट कीजिए नीचे टेक्स्ट बॉक्स पर, तो मैं आपको इसकी लिंक में दे दूँगा, या मैं आपको ये प्लगइन जो स्क्रिप्ट है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये देखिए, ये हमारा बैन टूल है, बैन लेयर स्क्रिप्ट है यहाँ पर। फिलहाल इस साइड में देता हूँ, इसे यूज़ करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एक बार आपको मालूम पड़ जाएगा तो आप भी इसे काफ़ी इजीली यूज़ कर पाएंगे। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा सेगमेंट। कितने सेगमेंट बनाना चाहते हैं आप, जितने ज़्यादा सेगमेंट होंगे उतना ही फ्लूइड ये बैंड होगा, कम सेगमेंट होंगे तो वो ऑब्वियसली थोड़ा जो है एंगल उसके स्मूथ नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एंकर पॉइंट है, आप किस साइड में उसको बैंड करवाना चाहते हैं। देन उसके बाद बैंडिंग है आपकी, आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसके बाद यहाँ पर कर्व है कि आप सी कर्व या फिर एस कर्व में करवाना चाहते हैं बैंड, आपके ऊपर आप ये करना चाहें। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं बैंड करना चाहता हूँ अपने बॉटम सेंटर से, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ बॉटम सेंटर। उसके बाद मैं इसे बैंड कराना चाहता हूँ वर्टिकल, मैं इसे बैंड करना चाहता हूँ वर्टिकली, तो मैं वर्टिकली सिलेक्ट करता हूँ और सी कर्व में आपको करना चाहता हूँ। सेगमेंट 20 है, मैं इसे 25, मे बी 20, ठीक है 20।
एमएस में हमारा काम हो जाएगा और मैं यहाँ से कर देता हूँ। बी कॉम या बी कॉम आप चाहे तो इसी पर कर सकते हो, पर बी कॉम बना के करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा आपको। बी कॉम करके मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ। अभी आपको इसे दिखाई मिलेगा क्या हुआ, लेकिन यहाँ देखिए बी कॉम के अंदर आते वक्त जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर आपको इसके सेगमेंट दिख जाएंगे, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी ये बैंड हो चुका है और यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए 3D लेयर भी ऑटोमेटिक ये 3D लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। बट इसे अब व्यू करने के लिए हम न्यू कैमरा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कैमरा में लेता हूँ 15 mm का, मैं यहाँ पर कैमरा लेता हूँ। जैसे हमने कैमरा लिया, हमें यहाँ पर कीबोर्ड पे सी प्रेस करूँगा तो देखिए कैमरा का आइकॉन भी आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे कैमरा का आइकॉन है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ से देखिए मूव कर सकता हूँ, जिस भी एंगल में चाहे तो मैं साइड एंगल कर सकता हूँ। साइड एंगल पर करने के बाद अब मैं यहाँ पर जाता हूँ हमारे फॉर्म पे, सिलेक्ट करने के बाद नीचे लगाते हैं। यहाँ पर इफेक्ट लगाने के बाद आप यहाँ पर बैंड प्रॉपर्टी पूरी दिख जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं बैंड अमाउंट पर, और यहाँ पर भी बैंड अमाउंट का साइड है मैं उसे टाइम करता हूँ। आप जैसे भी चाहें इसे बैंड कर सकते हैं, क्यू आर कर सकता है, ये जैसे भी आप चाहें इसे डायरेक्शन में भी आप चाहें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर व्यू को हम चेंज करेंगे टू व्यू हॉरिजॉन्टल में। ये देखिए यहाँ पर हमें इस पर ऑफ एंगल में दिख रहा है, हमें इसे टॉप एंगल से लिखा कर इसे करते हैं। ठीक है, और फ्रंट व्यू करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राइव हमारा काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर लोकेशन आएंगे, हम आर प्रेस करेंगे, यहाँ से हम फिर रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस में, इस तरह से रोटेट करेंगे। आपको गाइडलाइन के लिए अगर यूज़ करना चाहे तो आप आर प्रेस करेंगे, यहाँ से गाइडलाइन के लिए रूलर ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर सकते हैं ताकि आपको कितना बैंड करना है, कितना रोटेट करना है, वो यहाँ से आपको दिख जाए। इसको कर दिया है, मैं दिखा देता हूँ, हमारा बैंड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं लूँगा एक राइट क्लिक किया और यहाँ से आकर मेरे मुझे मतलब जो किसी के बाद मैं उसे सेंटर में फीचर और सीडी में कन्वर्ट करूँगा। 3D में हमारा 3D में कन्वर्ट हो चुका है और जो हमारा कंपोजिशन है लीड वाला, मैं उसे नल के साथ में लिंक कर, मैं इसे नाम दे देता हूँ लीड। हमारी जो नल के साथ में यहाँ पर कॉपी लिंक हो चुकी है। अब इसमें हम प्रेस करेंगे वापस ड्रॉप डाउन से इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद जो हमारा बैंड अमाउंट था जो मैंने बैंड किया था, वहाँ पर हम सेट करेंगे 1 सेकेंड हो जाता है, इसे चेक करता हूँ और इसे सेट करेंगे हम। ये एनिमेशन हमारे यहाँ पर आ चुका है,
हम करेंगे हमारे लूप वर्क और हमारे लूप को सिलेक्ट करेंगे और हम कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए और मैं इसे ऊपर निकाल लेते हैं। नल का हम नाम चेंज कर दिए, हमारे नल ट्रू है, जो हमारा लूप ट्रू है, नल भी अच्छा ट्रू है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा नल पर और रोटेशन। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो हमारा एक्टिव कैमरा मोड है और उस पर आकर हम इसे टॉप व्यू बनाए। टॉप व्यू बनाने के लिए यहाँ पर हम हमारे जो नल है सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर वाई एक्सिस में से रोटेट करेंगे। तो ये रहा हमारा वाई एक्सिस, हम इसे रोटेट करेंगे 90 डिग्री। फिर हम वापस से कंट्रोल डी टर्मिनल सी को हम रोटेट करेंगे वाई एक्सिस में 180 डिग्री। फिर से हम करेंगे इसको कॉपी कंट्रोल डी से रोटेट करेंगे 270। ये हमारा इस तरह से एनिमेशन रेडी रेडी रेडी। बहुत इजी था। अब हम इसमें लगाएंगे कैमरा, मैं आता हूँ यहाँ पर हमारा जो कैमरा लगा हुआ है वो एक्टिव मोड पर आ जाते हैं। एक्टिव कैमरा पर मैं इसे व्यू को मैं कर लेता हूँ सिंगल व्यू। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये एनिमेशन कुछ इस तरह से कंट्रोल यूज कर ली, नेट वाले कमांड यूज करते हैं, विंडोज वाले कंट्रोल यूज करते हैं। E7 E8 5 6 7 8 तो हमारे जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में फोर तक है मैं सिलेक्ट करता हूँ ताकि हमें याद रहे। तो यहाँ से हमारे जो नल है यहाँ पर अगर नहीं अपने यहाँ से लेयर न्यू यहाँ पर एक और नल ऑब्जेक्ट में आके ले लेता हूँ और उसे नाम दे देते हैं सेकेंड। सेकेंड नाम दे देता हूँ उसके लिए। यहाँ पर जितने भी नल ऑब्जेक्ट हैं हमारे जो नए वाले हैं जो नए नए बनाए हैं उनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उन सबको लिंक कर देता हूँ हमारे सेकेंड वाले। उसके बाद हमारे जो नए वाले नल्स हैं मैं यहाँ से लिंक कर देता हूँ सेकेंड वाले के साथ। हमें यहाँ से देख लेते हैं तो स्केल कर लेते हैं और स्केल कर लेते हैं वापस समाज एक वाला है जाएंगे लोकेशन आर आर टेस्ट करेंगे। ये सेवेंटी होने की नेक्स्ट वाला जो लोकेशन आर टेस्ट करेंगे उसको कर देते हैं 90।
इसका हो गया तुम्हारा सिक्स वाला का एक मोबाइल प्लस का पीस का डेटिंग सीट यार सारे नए वाले आ रहे हैं। अब मुझे हमारा फोर्थ का चीज सीट है वन टू थ्री फोर इवन ऊपर का जो था और जो हमारे नए वाले फाइव सिक्स सेवन एट है उन्हें भी पैसा के ट्यूशन पर जाएंगे फाइव सिक्स सेवन में जो हमारे नए वाले हमारे बाहर से नए नए क्षेत्र में जाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में यूनिट प्रेस करेंगे और जो हमारी की फ्रेम होगी हम थोड़ा आगे कर रहे जो हमारा पहला वाला यूनिट होगा हमारा ये जो अंदर वाला पार्ट है ये अंदर होना चाहिए तो ये हमें यहाँ पर बाहर दिखाई दे रहा है इसके लिए हम क्या करेंगे जो हमारे ऊपर के दो तीन चार पाँच जो यूनिट है
हम जाएंगे कहाँ, जहाँ पर आपको इस तरह से ओपन होके आने वाला पार्ट दिखाया गया है। और के साथ में से फिर जो आगे वाला पार्ट है उसमें बता दूंगा, अगर आप सुनिश्चित करेंगे तो और पीछे उसका कारण होगा। अब ये जो हमारा है नया वाला पार्ट, क्योंकि अंदर रहेगा तो इसे जो है हमारे बाहर वाले पार्ट के नीचे होना चाहिए। इसके देखिए अभी इस तरह से आएगा जिसे हम ओपन करेंगे बाहर की तरफ खुल जाएगा इस तरह से। तो हमारा जो लेटेस्ट एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इस पर बैंड टूल के ऊपर आप उतना ही ज़्यादा स्मूथ इसको कर पाएंगे। दैट्स इट, हमारा लोटस एनिमेशन जो है वो बन चुका है। हमारा जो लोटस एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। एंड इसके अलावा आपको और भी कोई वीडियोस और भी कोई ट्यूटोरियल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड इसके अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।